नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले अक्सर मुझे न्यूज़ मीडिया में यह सुनने को मिलता था कि जीएसटी बिल पे आज जम के हंगामा हुआ सदन में। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, सदन के दोनों कार्यकाल आज ठप रहे। मैं सोचता था कि भाई ऐसा क्या है इस बिल में, जीएसटी बिल में, कि सदन के कार्यकाल ठप है, इतना हंगामा हो रहा है। तो चलिए आपको इस वीडियो में हम जीएसटी के बिल के बारे में पूरी जानकारी जो है देने जा रहे हैं, बिल्कुल लेमन टर्म्स में। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। टैक्स टैक्स जो होता है, जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली आप अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो आपने अपनी कमाई पे, अगर आप उस दायरे में आते हैं तो आपको देना पड़ता है, डायरेक्टली आप ही देते हैं वो, दूसरा कोई नहीं देता है। उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कि आप गवर्नमेंट को वो भी देते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप नहीं देते हैं। आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं, नून तेल धनिया साबुन कुछ भी खरीदते हैं, तो उसमें आप रिटेलर को तो MRP दे देते हैं, लेकिन रिटेलर या फिर होलसेलर या फिर जो भी उसके साथ डील करता है बिजनेस में, उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करना ही होता है। और ये जो टैक्स इंक्लूड होते हैं MRP में और आपसे ले लिया जाता है, ठीक है। तो अब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं कितने तरह के, 18 तरह के लगभग अपने देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। और GST का टोटली लेना देना है इस सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस से, ओके। डायरेक्ट टैक्सेस से GST का कोई लेना देना नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको थोड़ा बता दें कितने सारे इंडिया में हैं, लगभग कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं, चलिए ठीक है। वैसे तो 19 नहीं बताऊंगा मैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो होता है वो कुछ भी आप जो सामान जो है आप बेचते हैं तो उस पर देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर सामान जो है आप विद इन स्टेट बेच रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, वैट के तौर पे देना पड़ता है। और अगर आप सामान को दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो सेल टैक्स आपको CST सेंट्रल सेल्स टैक्स के रूप में देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। दूसरा सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जो है वो याद रखिएगा केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसी के हाथ में जाता है ये सर्विस टैक्स। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने होटल में खाया, कहीं किसी से नाई से बाल कटवा लिया, नाई से बाल कटवा लिया तो टैक्स नहीं लगता इंडिया में, लेकिन जो भी सर्विसेज लिए वो उस तरह से, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स यानी आप सपोज कीजिए आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह का कुछ हेल्प लिया, उनसे कुछ सर्विसेज लिया, तो उसका टैक्स जो है बड़े सारों में पे करना पड़ता है। लग्जरी टैक्स सपोज कीजिए आपने लग्जरी होटल्स ताज वज में रह लिए तो उसमें पे करना पड़ता है। इंट्री टैक्स एग्जाम्पल के तौर पर, एंट्री टैक्स जो है वो जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं गुड्स लेके, सामान लेके, तो एक स्टेट का दूसरे स्टेट में जब आप क्रॉस करेंगे बॉर्डर तो वो दूसरा स्टेट वाला लेता है। उसके बाद फिर सेंट्रल एक्साइज टैक्स, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं किसी चीज़ को तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपसे उस मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज टैक्स लेता है। कस्टम ड्यूटी यानी कुछ आप जो सामान इंपोर्ट कराते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है ये चीज़, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा घर में जो है वो सब लिया जाता है। और बहुत तरह के और भी, टोटल बताया मैंने 19 टैक्सेस होते हैं, 18 या 19 टैक्सेस होते हैं जो कि आपसे वसूले जाते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो टैक्सेज है सबका परसेंटेज अलग अलग होता है, डिपेंड एक से लेके 15% तक किसी स्टेट्स में, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट वैरी करता है और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बिजनेस टू बिजनेस थोड़ा वैरी करता है, इसलिए ये एग्जैक्टली डिटेल बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। तो चलिए अब आपको आगे बताते हैं। तो अब जब कभी भी आप कोई सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं या किसी की सेवा लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो आपको इनडायरेक्टली जो है सर्विस टैक्स, सॉरी आपको इनडायरेक्टली जो है टैक्स जो है पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, किसी किसी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी किसी केस में स्टेट गवर्नमेंट को, और किसी किसी स्टेट में दोनों को पे करना पड़ता है। और अब दूसरा चीज सुन लीजिए कि किसी किसी वस्तु पे जब आप खरीदते हैं तो हो सकता है कि एक टैक्स लगे, कोई एक टैक्स जैसे जो जितनी 19 टैक्सों में से एक टैक्स लगे, किसी किसी सब वस्तुओं पे एक से ज़्यादा टैक्स लग जाता है, 2-3-4-5 भी लग जाता है। तो इस केस में क्या होता है, जिस पे ज़्यादा टैक्स लग गया वो महंगा हो जाता है। तो आम तौर पे इंडिया में लगभग कोई भी सामान खरीदते हैं जब आप, तो ऑन एन एवरेज 30-35% टैक्स लग जाता है। किसी किसी वस्तु में लगभग 40-50% भी टैक्स देना पड़ता है आपको, लेकिन आपको पता नहीं चलता ये चीज़, ठीक है।
तो जिससे महंगाई जो है कह रही है कि बढ़ रही है और इसलिए लाया जा रहा है जीएसटी बिल। तो जीएसटी बिल लाने से क्या मकसद क्या है कि ये जो है जीएसटी बिल जो होगा उससे इन सारे टैक्सेस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अलग अलग जो टैक्सेस आप भरते हैं सेल्स और सर्विसेज के लिए, आपको केवल और केवल एक टैक्स भरना होगा, चाहे आप जो भी बिजनेस करते हैं, चाहे सेल्स के लिए या सर्विस के लिए, ठीक है। और केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भरना पड़ेगा टैक्स, ठीक है, जो कि 18% होगा, जिसे कहेंगे जीएसटी बिल के अंतर्गत, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आप अपना हिस्सा दे देगा स्टेट को, जितना हो उसको चाहिए वो लोग समझ लेंगे, लेकिन आपको भरना होता है बस 18% भरना होगा हर चीज़ में, ठीक है। चाहे अब इससे क्या होगी, अब आपको थोड़ा बता दें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इससे क्या होगा कि कुछ सामान के जो रेट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे और कुछ के महंगे हो जाएंगे। अब कैसे, थोड़ा देख समझ लीजिए आप इस बात पे। सपोज के लिए कुछ खाना है जो डिब्बा बंद खाना हो गया, कपड़े हो गए, कुछ सिंगार वगैरह का सामान हो गया, इस पर लगभग बहुत कम टैक्स लगता है, किसी मतलब 3% किसी में 5% 10% किसी में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस इन वस्तुओं पे भी 18% ही टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़े महंगे हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें, ठीक है, जिसमें कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, महंगी गाड़ी एक ले लीजिए, एक्सयूवी जो गाड़ी होती है वो सब ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको कई टैक्स देने पड़ते हैं, एग्जांपल के तौर सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स और कई, तो मिला जुला के बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये रेट। तो अब इन गाड़ियों पे भी मात्र आपको 18% ही जीएसटी देना होगा, तो ये गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये आपको कम पड़ेंगी, है ना। उसी के तौर पर दूसरा तौर पर एग्जाम्पल देते हैं आपको जो सस्ती होने का, सपोज कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आपको यहाँ पे देखिए बिल में आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, देखिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी क्या होता है कि आपको इसके लिए सेल्स टैक्स भी देना पड़ता है, यानी वैट भी देना पड़ता है, और आपको सर्विस टैक्स भी देना पड़ता है। आप देखिएगा, वैट जो है मतलब गुड्स पे, कि स्टेट गवर्नमेंट कहती है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि ये जो है चूंकि एक गुड्स है, खाना जो है गुड्स है और खिलाया जा रहा है हमारे राज्य में, तो हम इसका टैक्स वसूलेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये एक सर्विस है, ठीक है, इसमें सेवा दिया जा रहा है तो हम वसूलेंगे। तो होता है क्या है, फाइनली हम लोग पिस जाते हैं और दोनों टैक्स वो लोग ले लेते हैं अपने अपने। तो अब जीएसटी के आने से केवल एक और एक टैक्स होगा, जिसे जीएसटी 18% ले लिया जाएगा, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और बाद में अपना वो लोग जो करना है जितना बांटना है बांटेंगी, ठीक है। तो ये हो गए एग्जांपल, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब थोड़ा आपको हम बता दें इसके मेन पॉइंट्स एडवांटेजेस क्या होंगे, ठीक है। सबसे एक चीज़ होता है इनपुट टैक्स रिफंड, ये जो है वो नहीं लगेगा। अब सपोज कर लीजिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कुछ सामान खरीदते हैं, रॉ मटेरियल्स, अगर आप अपने स्टेट से खरीदते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूसरे स्टेट से खरीद कर लाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ता है वहाँ पे, इनपुट टैक्स, ठीक है। तो वो जो है रिफंड नहीं होता है आज के डेट में अभी, लेकिन जब जीएसटी आ जाएगा तो वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है, आपको वो टैक्स लगेगा ही नहीं, इनपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर को। दूसरा, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स ऑन टैक्स लगता है आज के डेट में। सपोज कर लीजिए जैसे कि आप कोई सामान मैन्युफैक्चरर करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग पे जो है वो एक टैक्स लगता है, जिसे कहते हैं सेंट्रल एक्साइज टैक्स, जो कि देना पड़ता है। 100 रुपये का सामान खरीदते हैं तो मान लीजिए 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है सेंट्रल एक्साइज टैक्स, तो कुल हो गया आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट 110 रुपये। अब क्या होगा कि अब उस पर सेल टैक्स, फाइनल प्रोडक्ट होने के बाद सेल टैक्स और कितने कितने तरह के टैक्स लगेंगे, तो वो जो होता है वो केवल रॉ मटेरियल पर नहीं लगता है, वो टैक्स को भी इंक्लूड कर लेता है उसमें, 110 रुपये पे वो टैक्स लगता है ना, मतलब आपका बेस प्राइस प्लस वो जो है उस पर टैक्स लगता है। तो ये जो चीज़ होगा, मतलब टैक्स का टैक्स जो है वो अब नहीं लगेगा जीएसटी आने से। तीसरी चीज़ कि डबल टैक्सेशन, जो कि कुछ सर्विसेज के नाम पे, कुछ सेल्स के नाम पे लिया था, वो नहीं होगा, एक ही लगेगा। चौथा, कि ये सारे प्रोसेस जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, कि मतलब इतने सारे टैक्सेस हैं बिजनेसमैन को पे करने पड़ते हैं, समय पे सबको याद रखना पड़ता है, पेपर वर्क मेंटेन करना पड़ता है, लाइन में लग के कहीं जमा करना पड़ता है, कहीं ऑनलाइन जमा करना पड़ता है, अगर कुछ गलती हो गया तो पेनल्टीज है, उसके रिटर्न फाइल करते हैं, करना पड़ता है, तो बहुत एक तरह से हेडेक भी रहता है सबके लिए, कि जो फिलअप करते हैं उनके लिए भी, बिजनेसमैन के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी। तो इनके लिए बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा जब ये जीएसटी आ जाएगा, तो फटाफट बस एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है
जिस पे कि आपको एक अपना जीएसटी नंबर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, यूनिक नंबर मिल जाएगा, आप उससे लॉगिन करके और गवर्नमेंट भी उससे लॉगिन करके आपका डिटेल्स देख सकती है, आपको कितना पे करना है, क्या करना है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, सब बन रहा है। और उम्मीद है कि ये सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाएगा। तो हम ये उम्मीद करें कि आप जीएसटी के बारे में बिल्कुल सब कुछ क्लियर समझ गए। अगर स्टिल आप नहीं समझे कुछ या कुछ कन्फ्यूज़न है दोस्त, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला रखा है यूट्यूब में नीचे, आप इसमें कमेंट में लिखिए आपका सवाल, बंदा आपके खिदमत में हाजिर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।